सो हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट हनुमत लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी हाल ही में अपना लॉ कंप्लीट किया है, तो लॉ कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको जो है किसी भी स्टेट में अपना एनरोलमेंट करवाना है, क्योंकि जब तक आप एनरोलमेंट नहीं लेते हैं तो आपका जो है एक्सपीरियंस जो है काउंट नहीं होगा। जब आप जिस ईयर में एनरोलमेंट करवाएंगे उसी ईयर से जो है आपका जो है एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होता है तो सारी मार्कशीट लेने के बाद जो है आप किसी एक स्टेट में जाके जो है अपना एनरोलमेंट करवाएं। एनरोलमेंट होने के बाद आप जो है जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है हर 6 महीने में एक बार होता है, मीन्स साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। तो आप जो है उसके बाद जैसे ही आप एनरोल्ड हो जाते हैं किसी भी स्टेट में, तो उसके बाद जो है आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप को COP सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। ये एग्ज़ाम जो है 2 साल में आपको पास करना जो है कंपलसरी रहता है, एक बार आप किसी स्टेट में अगर एनरोल्ड हो गए तो।